नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश भैरव बाबा की कृपा से हम लोग अभी दो महीने से बहुत सारी साधनाओं पर बात कर चुके हैं काल भैरव की हम लोगों ने दो साधनाएं अभी तक की हैं जिसमें एक काल भैरव का बीज मंत्र है और दूसरा है कि अगर आपका कोई सामग्री भुला जाए कोई सामान भुला जाए तो उसको काल भैरव के मंत्र से कैसे प्राप्त किया जा सकता है जो सबसे पहला मंत्र था वो भैरव का खप्पर मंत्र था अगर आपको याद हो कि भैरव भा, बाबा को भोग कैसे देते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र था तो उसी क्रम में आज मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं जो कि शायद आपने कहीं सुना हो इस मंत्र को साधने की विधि मैंने आज तक जहां भी पढ़ा वो गलत दिया हुआ है तो इस भैरव को स्वर्ण भैरव बोलते हैं जनरल भाषा में लेकिन इस भैरव का नाम है स्वर्ण आकर्षण भैरव स्वर्ण आकर्षण भैरव का मतलब इनकी उपस्थिति जहां भी होती है वहां पर सोने की मुद्राएं क्योंकि पहले जमाने में आज के जैसे पीतल और अल्मोनियम का तो सिक्का होता नहीं था तो पहले जमाने में सोने के सिक्के होते थे तो स्वर्ण आकर्षण भैरव इनको कहते हैं भैरव जी के बहुत सारे रूप हैं जैसे आप लोग जानते हैं तो अलग अलग रूप अलग अलग व्यवहार का है जो सात्विक रूप है वो आपको बाल भैरव का है बटुक भैरव का है तामसिक रूप काल भैरव का है वैसे ही जो राजसिक गुण गुण वाला जो भैरव है वो स्वर्ण आकर्षण भैरव है ये सारे भैरवों से इनका रूप थोड़ा अलग होता है ये थोड़ा राजा की तरह दिखते हैं सोने का मुकुट पहनते हैं ठीक है अः कपाल और खप्पर हाथ में रखते हैं बाकी दोनों हाथ इनका खाली रहता है और धन धान्य चारों तरफ दिखता है गले में सोने की माला रहती है तो स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना करने से कहा जाता है कि बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है मतलब अगर आप दुख में हैं दारिद्र में हैं देखो ऐसे तो भैरव बाबा को ये पालन पोषण का जिम्मा मिला हुआ है त्रिदेवों में महादेव के पांचवे स्वरूप काल भैरव त्रिदेव में एक होने के कारण ऐसे ही इनके पास सारा जो राइट्स होता है शासन करने का इस चर पृथ्वी पर वो है लेकिन इनके पास एक विशेषाधिकार अधिकार है कि ये लोगों का पालन पोषण भी करें तो ऐसे भी अगर आप भैरव के किसी भी रूप की सेवा करते हैं ठीक है तो भैरव इस चीज का ख्याल रखते हैं कि आपका भरण पोषण सही से हो लेकिन ये स्वर्ण का स्वर्ण आकर्षण भैरव या स्वर्ण भैरव जिसको हम कहते हैं इनका उद्देश्य है राजाओं का जो गुण है उस तरीके की व्यवस्था आपके लिए खड़ी कर देना देखो भक्ति करना सेवा करना और साधना करना तीन अलग चीज है ठीक अब आप अगर भक्ति करते हैं भैरव महाराज की तो आपको आपकी जर, आपके जरूरत भर हर चीज मिलेगी उस जरूरत भर में आ, आपका मेटेरियल लाइफ भी है आपका जो परिवार का की सुख समृद्धि है वो भी है आपके आपका मानसिक पीस भी है लेकिन स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है वो आपको सिर्फ धन दौलत से परिपूर्ण करेंगे ठीक है हाँ आज के डेट में लोग मानते हैं कि अगर आपके पास दौलत है तो पीस ऑफ माइंड और सब कुछ आ सकता है लेकिन चलिए वो एक अलग डिस्कशन है किसी दिन लाइफ पे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे माया और ध्यान पे ठीक है अब आते हैं कि स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना कैसे करें देखो और किसी भी साधना में मैंने देखा इसका विनियोग और ये वो सब दिया हुआ है सारे पूरे इंटरनेट पे और हर किताब में छाया हुआ है लेकिन उतना टेक्निकल नहीं होता स्वर्ण भैरव का साधना जो आपको जाप करने बोलते हैं लाख सवा लाख डेढ़ लाख देखो स्वर्ण भैरव का साधना जाप से नहीं होता है स्वर्ण भैरव का साधना सीधे हवन से होता है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा आपको तीन सामग्री चाहिए मूलभूत रूप से अगर आपके पास सक्षम है आप तो चार सामग्री ठीक है क्या क्या चाहिए आपको आपको चाहिए काला तिल आपको चाहिए गुड़ आपको चाहिए उड़द की दाल और आपको चाहिए गूगुल इस चार चीजों का मिश्रण बना के रखोगे और जब तक वो खत्म नहीं होगा स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंत्र पढ़ पढ़ के आप इसकी आहुति देते रहोगे ये गिनना नहीं है माला पे आपको आपको आहुति देते रहना है जब तक आपको मन करे तब तक आप आहूति देते रहो गिनना नहीं इसको इसके बाद इसका दशांश हवन भी थोड़ा अलग होता है स्वर्ण भैरव का जब दशांश हवन आप करोगे तो आपको एक सूखा नारियल लेना है मतलब ऐसे 21 पड़ता है सूखा नारियल जिसको गरी कहते हैं मावा कहते हैं वो पूरा लेना है उसके ऊपर से एक छेद बनाना है और उस छेद में आधा घी और आधा मधु भरना है और उससे फिर इसका हवन होगा ठीक है जब आप इसको कर लोगे ग्यारह दिन तक ग्यारह दिन तक आपने हवन किया बारहवा दिन आप इसका मतलब हवन करके ग्यारह दिन आपने जाप किया और उसके बाद जो बारवा दिन होगा उस दिन जब आप हवन करोगे तो वो सूखा नारियल उसमें आधा घी आधा मधु डाल करके आप इस पे इसी मंत्र से हवन करोगे हवन करने के बाद भोग में स्वर्ण भैरव को पाँच अलग अलग अनाज को पीस करके गुड़ मिला के रोटियां बना करके आपको देनी है इक्कीस जब आप इतना कर लोगे तो आपकी साधना कंप्लीट हो गई अच्छा स्वर्ण भैरव आपको दर्शन देंगे कि नहीं ज्यादा चांसेस है कि स्वर्ण भैरव दर्शन नहीं देते हैं अपने होने का आभास देते हैं ठीक है अगर होने का आभास ना भी देते हैं तो अगले पंद्रह दिन से लेकर के पैतालीस दिन में तीन दिन में ऐसे शुरू होता है पैतालीस दिन के अंदर आप कि अगर स्थिति फाइनेंशियल दशा वो सुधर गई तो आप समझ जाओ कि स्वर्ण भैरव साधना आपका सफल रहा है बहुत दिनों से बहुत लोग पूछते थे स्वर्ण भैरव साधना कैसी करनी है किताबों में जब मैंने देखा तो मैंने देखा भाई साहब ये तो पूरा इनको यज्ञ करवा रहे बहुत ही सिंपल साधना है स्वर्ण भैरव की और आप लोग सब करो इसको जिसको जिसको फाइनेंशियल ट्रबल है वो इस साधना को करो मात्र ग्यारह दिन करना है कोई बहुत लंबा चौड़ा साधना भी नहीं है इस साधना को कर लोगे उसके बाद किसी के तरफ मुंह देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे भी किसी भी भैरव को अगर आप साध लेते हैं ना उसके बाद आपको मेटेरियल दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है वो भैरव जी सब कुछ संभाल लेते हैं आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपने आवाज के साथ बहुत लोग बोलते थे कि गुरुजी आपका आवाज क्लियर नहीं आता है तो आप लोग सुन करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में आवाज कैसा है और क्या इसको और सुधारने की जरूरत है आज के लिए इतना ही मैं कल एक बहुत ही मजेदार विषय पर वीडियो बनाने वाला हूँ विषय है कि किसी को देख करके उसका भविष्य उसका भूत कैसे बताया जाए उसकी क्या साधना होती है ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा अभी के लिए आप लोग आप लोगों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ कुछ और विषय है नहीं अभी बात करने के लिए तो आप लोगों को आदेश आदेश आ, हर बार की तरह फिर से एक बार बता देता हूँ मेरी मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसको आप लोग खरीद सकते हैं अमेजोन से या फिर आप ख़रीद सकते हैं उसको फ्लिपकार्ट या कहीं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से अगर आपको मुझसे बात करनी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से और इसके बाद उसमें आप रुद्रनाथ सर्च करिएगा रुद्रनाथ पूरा लिखिएगा तो मेरी प्रोफाइल आएगी आप मुझे कॉल करके मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव अगर इस पे पर सिर्फ इमरजेंसी में आपको कॉल करें आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश